Today we are gonna do English grammar chapter 2, subject and predicate. Now, when we make sentence, we name some person or thing and say something about that person or thing. जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग दो चीजें करते हैं मेनली. उसमें होता है कि फर्स्ट वन इज वी नेम सम पर्सन और थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी पर्सन या थिंग को नेम देते हैं, लाइक ही इज डूइंग, तो ही इज द पर्सन. एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. एंड वी से, हम लोग उसके बारे में कुछ कहते हैं कि वो पर्सन या थिंग जो है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ हम बताते हैं. वी हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मे वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. सो मेनली एक सेंटेंस में क्या होता है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, और हमारे पास एक टॉपिक होता है, एक चीज होती है जिसको हम लोग उसके बारे में प्रेडिकेट कर रहे होते हैं, मतलब उसके बारे में हम बता रहे होते हैं उस सब्जेक्ट के लेकर. द मेन थिंग इज जो उसमें सेंटर में जो सेंटर ऑफ दैट सेंटेंस होता है वो उसका सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है कि वो क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है. नेक्स्ट इज एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट. कोई भी सेंटेंस हो उसके दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमारे को नेम करता है, हमारे को बताता है कि वो पर्सन या थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, और उसको कहते हैं सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो हमारे सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके हमारा एक सेंटेंस बनाते हैं. सो इससे बनता है हमारा एक सेंटेंस, और सेंटेंस के मेन दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. अब देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ वी यूज सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स इन अ सेंटेंस. दे आर टिपिकली यूज्ड इन टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट. यूजुअली व्हेन वी फॉर्म अ सेंटेंस द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड प्रेडिकेट कम्स लेटर, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. बट समटाइम्स we put it after the subject. The predicate is sometimes ahead of the subject and sometimes after the subject. For example, here comes the bus. Now here, yeah, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं here comes the bus. Here comes the bus example है. इसमें bus हमारे को यहाँ पे साफ पता चल रहा है subject है, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है. और predicate क्या है, comes the bus. इट्स प्रेडिकेट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो क्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट. अ मैन ऑफ माइट, यहाँ पे हमारे को ट्यूबल केन के बारे में बताया जा रहा है कि ट्यूबल केन एक मैन ऑफ माइट थे. तो यहाँ पे ट्यूबल केन हमारे सब्जेक्ट है और हमारे मैन ऑफ माइट प्रेडिकेट है. तो उससे हमारे को यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर प्रेडिकेट आ रहा है, जो कि इसके जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिकेट पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. कुछ सेंटेंसेस जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन. सिट डाउन एक सेंटेंस को हम लोग सिट डाउन को एक सेंटेंस कंसिडर करते हैं, और सिट डाउन को सेंटेंस कंसिडर करने में हम लोगों को यहाँ पे साफ पता चल रहा है हियर द सब्जेक्ट यू कैन बी अंडरस्टूड. यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सिट डाउन वो तुम्हें बोला जा रहा है, यू को बोला जा रहा है, यू जस्ट सिट डाउन. नेक्स्ट इज थैंक हिम, वो भी तुम्हें बोला जा रहा है कि यू शुड थैंक हिम. यहाँ पे भी हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड. यहाँ पे भी सब्जेक्ट यू हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे
सब्जेक्ट कौन है? यू है, तो हमें उसको सेंटेंस में यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस. और ये था हमारा चैप्टर 2 ऑफ इंग्लिश ग्रामर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.